मेरी तबीयत खराब है फिर भी चले गए। बहन मुझसे भी बढ़कर हो गई क्या? अरे सुनो भाई, ये गेट पर सील क्यों लगा हुआ है? कोर्ट ने इसे जब्त कर लिया है। इस घर पे बहुत कर्ज है। घर के मालिक को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेके गए हैं। बेचारी उसकी मजबूर बीवी खाली हाथ अपने बच्चों को लेके चली गई है। उसके भाइयों ने उसे धोखा देके पूरी जायदाद अपने नाम करके उसे हवालात में जाने पे मजबूर कर दिया। उन्हें छोड़ दीजिए वरना। मेरी बहन ने तुम्हारे साथ क्या गलत किया था? क्यों तुम लोगों ने उसे परिवार के साथ रोड पर कर दिया? तुम्हारे तो हम सब बताते हैं तुम्हें जो हुआ उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ये सब इसका क्या धरा है? इन सब का कारण वो सूर्यकांता है। कुछ भी कहो लेकिन तुम लोगों ने मेरी बहन के साथ अन्याय किया है। मैं तुम लोगों को छोड़ दीजिए ना, प्लीज छोड़ दीजिए। इनका चेहरा देखकर मैं तुम लोगों को छोड़ रहा हूँ। अब पुलिस स्टेशन जाकर तुम लोग अपनी गलतियों को मान लो और शाम तक आकाश छूट जाना चाहिए वरना। अच्छा जग तोड़ दिया। पनौती कहीं के पनौती जाओ। अच्छा रुकते हैं। भाभी, ओ तुम आई हो, मुझे लगा कोई भिखारी आया है। बच्चों को ऐसे पालते हैं क्या? शर्म नहीं आती तुम्हें? माँ पर ही तो जाते हैं बच्चे, जरा हालत तो देखो इसकी। परिस्थिति ऐसी आ गई है भाभी, वो पुलिस स्टेशन में है। उसने जो किया होगा उसका परिणाम भुगत रहा है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? वो कैसे हैं क्या आप नहीं जानती? 3 करोड़ जब तक नहीं भरेंगे वो बाहर नहीं आएंगे। मैं इस भैया से बात करूंगी और 3 करोड़ भीख मांगने आई हूँ यहाँ पर। और वैसे भी तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों पर बहुत पैसे खर्च कर दिए हैं, बचा हुआ भी लेकर जाने का इरादा है क्या? ऐसी बात नहीं है भाभी, मेरी परिस्थिति क्या है? तुम्हारी परिस्थिति, जैसे ही उस घर में कदम रखा तुम्हारा पति जेल में चला गया और अब हमारे घर में चली आई हो, पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। क्या कह रही है भाभी? कोई भी औरत अपने मायके का विनाश करना चाहेगी क्या? भगवान करे मेरे भैया 100 साल जिए, मेरे मायके का दीपक हमेशा जलता रहे। तो फिर क्यों आई हो यहाँ? नंदू तुम रहने दो, मैं बात करती हूँ। देखो बेटी, लड़की की शादी करवा के भेजने के बाद दुख हो या सुख हो, मौत हो या जिंदगी हो, सब ससुराल में ही होना चाहिए।
शादी के बाद दो बच्चे होने के बाद मायका भैया मुसीबत इन बातों की लंबी लिस्ट बनाकर लेकर आओगी तो तुम्हारे भैया के संस्कारों का क्या होगा। अभी अभी तो इनकी जिंदगी शुरू हुई है, अब तुम यहाँ आकर फिर से मुसीबत खड़ी मत करो। मेरे भैया की जिंदगी बर्बाद हो जाए ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। भैया भाभी हमेशा खुश रहे यही मेरी प्रार्थना है। अगर ये बात सच है तो जिस रास्ते से आई हो वहीं से चली जाओ। इतना ही नहीं, कोर्ट में जो तुम्हारे पति को छुड़वाने के लिए 3 करोड़ भरने हैं उसके बारे में तुम अपने भैया को बताना तक नहीं। ठीक है भाभी, नहीं बताऊंगी। आज मेरा जन्मदिन है, राखी का त्योहार भी है। भैया के आने के बाद राखी बांध कर चली जाऊंगी मैं। क्यों, राखी नहीं बांधोगी तो मर जाओगी क्या? बचपन से लेकर आज तक मैं भैया को राखी बांधे बिना नहीं रही हूं। तब से रहना सीख लो। तुम अपने भैया से जितनी दूर रहोगी ना तुम्हारे भैया अपनी बीवी के उतने करीब रहेंगे। भूख लगी है माँ, खड़ी क्यों हो, जाओ ना। ठीक है जाती हूँ भाभी, बच्चों को भूख लगी है, इन्हें थोड़ा सा खाना खिला दो, इनके खाने के बाद चली जाऊंगी। बच्चे है ये सोचकर दया मत दिखाना, खाने के बहाने इसके भैया के आने तक यहीं रुकने का प्लान बनाया होगा, पहले ही पनौती लगी हुई है। ए, इज्जत से बोल रही हूँ, तुम्हारे भैया के आने से पहले इन्हें लेकर यहाँ से चली जाओ। चलती हूँ भाभी, बस बच्चों को थोड़ा सा खाना मिल जाए। खाना वाना कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से, निकलो भाभी। सुनो, आखिरी बार कह रही हूँ, आज के बाद अपने भैया से मत मिलना और अपनी इस हालत के बारे में उन्हें मत बताना। तुम्हें अपने भैया की कसम है लक्ष्मी। इतना कुछ सुनने के बाद भी यही खड़ी है, शर्म नाम की चीज है या नहीं? ये तो वो है जो बातों से नहीं मानते, लात उसे ही समझाना होगा। अरे लक्ष्मी जी, ये सब क्या है? इस हाथों से आपने कितने लोगों को खाना खिलाया होगा और आज लोगों के सामने अपने बच्चों के खाने के लिए फैला रही हैं। असल में उस बुढ़ी ने जब से इस घर में कदम रखा है इस घर की शांति खत्म हो गई है। लक्ष्मी जी मेरे घर चलिए आप, मैं खिलाऊंगा सबको। चलो बेटा, चलो बेटा, आ जाओ, चल आजा आजा गोदी में आजा। खिला दो। पेट भर के खाना बेटा। ये सब क्या है? क्यों रे, मैं सुखी रहूं ये तुझे पसंद नहीं है? इसे यहाँ लाकर क्यों रखा है? और तू
पति जेल में सड़ रहा है इसकी फिक्र नहीं है, तेरे भैया परेशान है इसकी फिक्र नहीं है, तुझे और तेरे बच्चों को बस खाने के लिए चाहिए। हाँ बच्चे भूख के मारे तड़प रहे थे इसलिए देखा नहीं गया मुझसे। बच्चों से हमें प्यार नहीं है तो तुम्हें किस लिए? हाँ ये क्या तेरे बच्चे हैं? या फिर बच्चों के पैदा होने के बाद इन्हें तुमने रख लिया? इस घर में एक नौकर की औकात है तुम्हारी और मेरी मौसी पर हाथ उठा रहे हो तुम। सच है ऐसी औरत के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए बल्कि ऐसी औरत को तो काट करके रख देना चाहिए। काट तो कब तुझे। मत मारो। नहीं लक्ष्मी जी मैं इस औरत को काट के रख दूंगा, सच कह रहा हूँ। छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो। इस देवी का चेहरा देखकर तुम्हें छोड़ रहा हूँ वरना मैं तुम्हें। माँ हमें खाना नहीं चाहिए। माँ चलो चलते हैं। चलो बेटा चलो। आंखें खोल बेटा, आंखें खोल। थोड़ा सा पानी पी ले बेटा। राजू राजू उठ बेटा। माँ मेरा बच्चा। माँ भूख लग रही है। माँ माँ मुझे भी भूख लग रही है। माँ नंदू लगता है तुम्हारे पति आ गए। लक्ष्मी बहन लक्ष्मी लक्ष्मी अब लक्ष्मी यहाँ आई है क्या? आई थी हमारे घर पे हमारे लिए नहीं शिवाजी के घर पे आई थी। जैसे ही हमें पता चला हम उसे लेने के लिए वहाँ पहुँच गए। वहाँ क्या देखते हैं? शिवाजी और वो रंगरलिया मना रहे थे और क्या। इस पवित्र खून पर तुम लोग इल्जाम लगा रही हो। भैया बहुत बुरा हुआ भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्या बात है बता। मुसीबत में बहन बच्चों को लेकर मेरे घर आई थी, इन लोगों ने उसे धक्के मार कर निकाल दिया। बच्चों ने भूख लगी है कहा तो मैं अपने घर खाना खिलाने ले गया। पहला निवाला मुंह में भी नहीं गया था, इन्होंने खाने पर लात मार दी। कोई भी औरत मुसीबत में होगी तो उसे भगवान याद नहीं आता, मायका ही याद आता है। मेरी बहन ने यह सोचा होगा कि अपने भाई के पास आने से उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ऐसी हालत में तुम लोगों ने मेरी बहन को भगा दिया। अरे तुम लोग इंसान हो क्या? भूख भूख करने वाले बासुमों को तुमने एक निवाला तक नहीं दिया और जब वो खाना खा रहे थे तो उन्हें लात मारा। कैसी औरत हो तुम? आखिर क्यों
ऐसा क्या हो गया जो तुम मेरी बहन से इतना नफरत करती हो? ऐसा क्या किया उसने तुम्हारे साथ? जब तुम्हारा कोई नहीं था तो उसने मेरी फैक्ट्री में तुम्हें नौकरी दिलाई, यह गलती है उसकी? तुम्हारे बारे में ठीक से जाने बिना उसने तुम्हें इस घर का महारानी बना दिया, यह गलती है उसकी? तुम जो खाना खा रही हो, जो कपड़े पहन रही हो, जो जिंदगी जी रही हो, वो सब सब मेरी बहन की दीवी भीख है। नहीं, सजा है। आपके कुछ भी करने पर मैं चुपचाप बैठूंगी, इसलिए अनाथ होने के बावजूद मुझे इस घर की बहू बनाने वाली आपकी बहन है। लाखों रुपए उस पर लुटाने पर भी मैं चुपचाप बैठी देखती रहूंगी, इसलिए मुझे इस घर की महारानी बना दिया उसने। बंद करो। अच्छाई करने पर भी उसमें बुराई ढूंढने वाले तुम्हारे जैसे लोग किसी की महानता क्या जान पाएंगे? जानने की जरूरत आपको है। बहन ही सिर्फ जिंदगी नहीं होती, बीवी भी जिंदगी का हिस्सा होती है। बहन के बच्चे ही सिर्फ काफी नहीं होते, हमारे अपने बच्चे भी होने चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। पता है, सब पता है। तुम्हारा अबॉर्शन करवाने की वजह, तुम्हारा कोख निकलवाने की वजह, तुम्हारी अपनी ये मौसी है, मुझे ये भी पता है। हमारे पूरे परिवार को बर्बाद करने के लिए इसने हमारे घर में कदम रखा है, ये भी मुझे पता है। मैं ऐसा क्यों करूंगी? चुप हो जाओ तुम। हमारे साथ इतना करने के बाद भी पता है मैं तुम्हें क्यों छोड़ रहा हूँ? क्योंकि तुम एक औरत हो और मेरी माँ की उम्र की हो, इसलिए। अगर ऐसे लोगों की बातें तुम सुनोगी तो जिंदगी भर तुम्हें रोना होगा। एक और बात तुम्हें पता है, बीवी को प्यार करने वाला हर व्यक्ति क्या अपनी बहन को प्यार करता है ये नहीं पता, लेकिन बहन को प्यार करने वाला व्यक्ति अपनी बीवी को जरूर प्यार करता है, ये मुझे पता है। हर भाई चाहता है कि उसकी बहन ससुराल में खुशी खुशी रहे, और इसीलिए जब उसके घर में लड़की आती है तो उसे लगता है कि उस लड़की को भी खुश रखना चाहिए। मेरी प्यारी बहन से जिस प्यार को तुमने अलग कर दिया है, वो प्यार अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। मेरी बहन की मुसीबत को ना सुलझाने वाली ये जायदाद, ये पैसा, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। जिस घर से मेरी बहन को निकाल दिया गया है, अब उस घर में मैं एक पल भी नहीं रहूंगा। याद रखना, अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ ना, तो मार डालूंगा। बेटी नंदू, माँ पापा के पास चलते हैं ना माँ? हाँ माँ, बहुत भूख लगी है, पापा के पास जाएंगे तो खाना मिलेगा। बच्चों से हमें प्यार नहीं है तो तुम्हें किस लिए है? ये क्या तुम्हारे बच्चे हैं? आज के बाद अपने भैया से मत मिलना और अपनी इस हालत के बारे में उन्हें मत बताना। तुम्हें अपने भैया की कसम है लक्ष्मी। माँ कुछ बोलो ना, माँ कुछ बोलो ना, पापा के पास चलें क्या माँ? हाँ माँ, हमें बहुत भूख भी लगी है। ठीक है, चलते हैं, पर पापा तो बहुत दूर हैं। यहाँ पास में ही नाना जी का घर है, वहाँ जाएंगे ना तो तुम्हें पेट भर के खाना मिलेगा। वहाँ पर कोई हमें मारेगा तो नहीं ना माँ? मारने वाला, गाली देने वाला वहाँ कोई नहीं होगा बेटा। तो फिर चलते हैं ना माँ, चलो। माँ, ये घर नहीं है, ये तो कुआं है। कुएं के नीचे ही नाना जी का घर है, वहाँ जाएंगे ना, हम पर कभी कोई मुसीबत नहीं आएगी। तो पहले मैं जाऊंगी। नहीं नहीं, पहले मैं जाऊंगा। मैं जाऊंगी। नहीं नहीं, पहले मैं। तुम दोनों मुझे छोड़कर जाओगे क्या? हम सब साथ नहीं चलेंगे माँ।
तुम्हारा भैया बहन मैं आ गया, मुझसे बात करो लक्ष्मी, मुझसे बात करो, अपने भैया से बात करो। लक्ष्मी हमारे साथ अन्याय करके नहीं चाचा जी, लक्ष्मी कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। अपने भाई को छोड़ के लक्ष्मी कहीं जा सकती है क्या? नहीं लक्ष्मी, उठो बहन, अपनी आंखें खोलो बहन, लक्ष्मी 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 लक्ष्मी। अच्छा अच्छा जी, मेरी लाडली बेटा, अरे उठ जा, देखो तुम्हारा मामा आया है, अपने मामा से बात करो मेरे बच्चों। ए बेटी उठ जा, अरे उठो, तुम्हें पेट भर के खाना दूंगा मेरे बच्चों, उठ जा। ए बेटा, दुनिया में मैं चाहे कहीं भी चली जाऊं, जन्मदिन पर मेरे भैया के पास ही आऊंगी, उनसे मेहंदी लगवाऊंगी। जिस दिन भैया से मेहंदी नहीं लगवा पाई या उन्हें राखी नहीं बांध पाई, तो वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। लक्ष्मी, अगर तुम जिंदा रहोगी तो ही तुम्हारा ये भाई जिंदा रहेगा मेरी बहन, ये बात तुम भूल गई ना लक्ष्मी? अरे बेटा, बेटा क्या हुआ? भैया, 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 क्या हो गया? We'll be right back.
इस दुनिया में हर कोई जन्म लेता है और मौत के साथ सभी जुदा भी हो जाते हैं। ये भाई बहन जन्म के साथ एक दूसरे से मिले और मरने के बाद भी एक दूसरे से मिल गए।